सब्सक्राइब करें पाटीदार किसान यूट्यूब चैनल को यूट्यूब पर ऐसे ही किसानी वीडियो देखने के लिए। किसान भाइयों, आज का हमारा टॉपिक है थ्रिप्स कीट के बारे में। आज हम थ्रिप्स की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। आज आपको बताएंगे कि थ्रिप्स क्या है, थ्रिप्स किन किन फसलों पर अटैक करती है, थ्रिप्स की पहचान हम अपनी क्रॉप में कैसे कर सकते हैं, थ्रिप्स के प्रमुख नुकसान कौन कौन से हैं और थ्रिप्स को कंट्रोल करने के 5 प्रमुख केमिकल कौन कौन से बेस्ट हैं। किसान भाइयों, अगर थ्रिप्स की बात की जाए तो यह एक बहुत ही सूक्ष्म कीट है जिसे हम हमारी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि यह कीट एक चींटी के 10वें हिस्से के बराबर की साइज का होता है। अगर थ्रिप्स के रंग की बात की जाए तो यह एक पीले रंग का कीट है जो हमेशा पत्तियों के नीचे वाले भाग में विचरण करता रहता है। थ्रिप्स वैसे तो सभी प्रकार की फसलों में देखने को मिल जाता है, किंतु यह प्रमुख रूप से कपास, मिर्च, टमाटर, भिंडी, लहसुन, प्याज, खीरा, गुलाब आदि फसलों में देखने को मिलता है। अब बात करें कि हम थ्रिप्स की पहचान हमारी फसलों में किस प्रकार करें, तो किसान भाइयों, थ्रिप्स हमेशा हमारी फसलों की नई पत्तियों के नीचे ही रहता है तथा पत्तियों का रस चूसता रहता है। देखा जाए, रस चूसने के कारण पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं, जैसा एक नाव का आकार होता है ऐसी दिखाई देती है। नई पत्तियां निकलनी बंद हो जाती हैं तथा आपस में सिकुड़ जाती हैं। थ्रिप्स फलों पर भी नुकसान पहुंचाती हैं, यह फलों को चिपचिपा बना देती हैं। यह अवस्था हमारी फसल में तब दिखाई देती है जब थ्रिप्स का अटैक बहुत ज़्यादा हो गया हो। तो किसान भाइयों, ये थी थ्रिप्स की पहचान तथा उससे होने वाले नुकसान। अब बात करते हैं ऐसे कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जिनके उपयोग कर हम अपनी थ्रिप्स को कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाइयों, वैसे तो मार्केट में बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो थ्रिप्स पर अपना असर दिखाते हैं, किंतु आज मैं आपको हमारे द्वारा उपयोग किए गए ऐसे 5 केमिकल के बारे में आपको जानकारी शेयर करता हूँ। पहले नंबर पे आता है बायर कंपनी का जंप या रिजेंट। किसान भाइयों, इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग आपको अपनी फसल में थ्रिप्स के कंट्रोल के लिए करना है। दोनों दवाइयां एक ही फार्मूले से बनाई गई है, बस फर्क है तो इनकी केमिकल परसेंटेज का। केमिकल कंटेंट की बात की जाए तो दोनों दवाइयों में फिप्रोनिल नाम का केमिकल है जो थ्रिप्स के लिए बहुत ही घातक है। इसे थ्रिप्स का काल भी कहा जाता है। किसान भाइयों, हमारी फसलों में इसके परिणाम थोड़े देर से देखने को मिलते हैं, किंतु लंबे समय तक बने रहते हैं। जंप की बात की जाए तो इसमें फिप्रोनिल 80% WG फॉर्म में, जो कि एक दानेदार पाउडर फॉर्म के रूप में आता है, तथा यह पानी में पूरी तरह घुलनशील है। किसान भाइयों, इसका प्रयोग सभी फसलों में कर सकते हैं। यह मार्केट में आपको 2-2 ग्राम के पाउच के रूप में देखने को मिल जाता है। वहीं इसकी डोज की बात की जाए तो यह 15 लीटर वाले पंप में आपको 4 ग्राम यानी 2 पाउच के हिसाब से फसलों में स्प्रे करना होता है। बात करते हैं मार्केट प्राइस की, तो यह 2 ग्राम का पाउच 60 रुपये के लगभग आपको मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। वहीं अगर जंप की तुलना में रिजेंट की बात करें तो इसका केमिकल कंटेंट भी फिप्रोनिल ही होता है। इसमें फिप्रोनिल 5% SC फॉर्म में होता है। यह जंप से कम मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण इसका डोज हमें फसलों पर बढ़ाकर स्प्रे करना पड़ता है। इसका हमें फसलों पर 15 लीटर वाले पंप में 40 ml के हिसाब से फसलों पर स्प्रे करना होता है, जिससे कि हमें बेहतर परिणाम मिल सके। किसान भाइयों, इसके मार्केट प्राइस की बात करें तो यह 250 ml की पैकिंग में लगभग 400 से 450 रुपये के लगभग मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की दवाई, तो इसके लिए हम डव एग्रो साइंस की डेलीगेट ले सकते हैं। यह भी थ्रिप्स के लिए बहुत ही कारगर दवाई है। अगर किसान भाइयों, आपको डेलीगेट की जानकारी चाहिए तो ऊपर लगे आई बटन पर क्लिक करके डेलीगेट की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके कार्य करने का तरीका, केमिकल कंटेंट, डोज, कीमत, मात्रा आदि सभी हमने आपके लिए हमारे वीडियो में बनाया है, इसलिए इस वीडियो में इसकी जानकारी फिर से रिपीट करके वीडियो को लंबा नहीं करेंगे।
तो किसान भाइयों अब चलते हैं हमारी तीसरी दवाई के बारे में। तो हमारी तीसरे नंबर पर आती है पीआई कंपनी की किफन। यह भी पीआई कंपनी का एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है जो रस चूसक कीटों पर बहुत ही असरदार तरीके से कार्य करती है। अगर बात करें थ्रिप्स का तो यह थ्रिप्स पर बहुत ही अच्छा कंट्रोल देती हैं। इसके केमिकल कंटेंट की बात की जाए तो इसमें टोल्फेन पाइराइड 15% जो कि इसी फॉर्म में आता है। यह केमिकल थ्रिप्स के साथ साथ वाइट फ्लाई एफिड डेसिड आदि पर बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य करता है। किसान भाइयों इसके डोज की बात करें तो यह 15 लीटर वाले पंप में आपको 30 ml के हिसाब से फसलों पर छिड़काव करना है। वहीं अगर इसके कीमत की बात करें तो यह 250 ml की पैकिंग में आपको 750 से 800 रुपये के लगभग में मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। तो ये थी किफन की जानकारी। अब चलते हैं हमारी चौथी दवाई के बारे में। किसान भाइयों चौथी दवाई के रूप में आप गरड़ा कंपनी की पुलिस या फिर बायर की लिसेंटाल ले सकते हैं। किसान भाइयों गरड़ा कंपनी की पुलिस की बात करूं तो यह फिप्रोनिल बेस पर बनाई गई दवाई है तथा बायर कंपनी की लिसेंटा की बात करें तो यह भी फिप्रोनिल बेस पर बनाई गई दवाई है। इन दोनों का केमिकल कंटेंट सेम है। इसमें दोनों कंपनी के द्वारा दो कंटेंट को आपस में मिलाकर दवाई को बनाया गया है। इसके कंटेंट की बात करें तो इसमें फिप्रोनिल 40% तथा इमिडाक्लोरपीड 40% WG पाउडर फॉर्म में आता है। किसान भाइयों ये दोनों फार्मूले थ्रिप्स सफ़ेद मक्खी पर बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल देते हैं तथा रिजल्ट लंबे समय तक हमारी फसलों में देखने को मिलता रहता है। अगर बात करें डोज की तो किसान भाइयों 15 लीटर वाले पंप में आपको 10 ग्राम के हिसाब से अपने फसलों पर छिड़काव करना है। अब बात की जाए दोनों दवाइयों की तुलना की तो दोनों के कार्य करने का तरीका एक ही है। किसान भाइयों आप इन दोनों में से किसी एक का चुनाव अपनी फसल के लिए कर सकते हैं। वहीं बात करें इसके मार्केट प्राइस की तो इन दोनों का मार्केट प्राइस आपको 900 से 1000 रुपये के लगभग 100 ग्राम की पैकिंग में अवेलेबल हो जाता है। तो किसान भाइयों ये थी गरड़ा कंपनी के पुलिस तथा बायर के लिसेंटा की जानकारी। अब चलते हैं हमारी पांचवें नंबर की दवाई पे कि कौन सी ऐसी दवाई है जो पांचवें नंबर पे हम उपयोग करके थ्रिप्स को कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाइयों इसके लिए सिजेंटा कंपनी की मेटाडोर या फिर अली का दोनों दवाई में से किसी का भी आप चुनाव कर सकते हैं। मेटाडोर की बात करें तो यह दवाई भी थ्रिप्स पर अच्छा कंट्रोल देती है। कंपनी ने मेटाडोर के साथ साथ अलीगा नाम की दवाई भी बनाई है थ्रिप्स के कंट्रोल के लिए, किंतु हमारे अनुभव से अलीगा से बेहतर मेटाडोर का रिजल्ट है। मेटाडोर में आपको लेमड़ा साइहेलोथ्रिन 4.9% CS फॉर्म में देखने को मिल जाता है। यह केमिकल भी थ्रिप्स के कंट्रोल के लिए गजब का रिजल्ट देता है। इसका प्रयोग भी सभी प्रकार की फसलों में कर सकते हैं। इसके डोज की बात करें तो यह 15 लीटर वाले पंप में 30 ml के हिसाब से आपको प्रयोग करना चाहिए जिससे कि बेहतर परिणाम मिल सके। वहीं इसके मार्केट प्राइस की बात करें तो यह आपको 800 से 900 रुपए के लगभग 1 लीटर की पैकिंग में उपलब्ध हो जाती है। तो किसान भाइयों ये थी थ्रिप्स की टॉप 5 कंट्रोल करने की दवाइयाँ जो हमने आपसे हमारे अनुभव के साथ शेयर की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसान भाइयों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।